हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन इतने बेहतरीन है ना कि बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के आपके लिए। लाइव आ जाइए फटाफट से, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। हम लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक जीव के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ए है प्रत्यक्ष रूप से पोषक पदार्थों को तोड़ने के लिए, बी अप्रत्यक्ष रूप से पोषक पदार्थों को तोड़ने के लिए, सी भोजन से पोषण प्राप्त करने के लिए, डी कार्बनिक यौगिकों को अप्रत्यक्ष रूप से दहन के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करें फटाफट से। तो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन का उपयोग, एक जीव के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी होगा। अप्रत्यक्ष रूप से पोषक पदार्थों को तोड़ने के लिए एक जीव के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। जो जीव है उसके द्वारा O2 का यूज़ अप्रत्यक्ष रूप से पोषक पदार्थ को तोड़ने के लिए किया जाता है। सेशन को लाइक शेयर करें। चलिए नोट डाउन करते चले, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय O2 का विनिमय कोशिका में उत्पन्न ब्लैंक के साथ होता है, ब्लैंक बी है, कहलाती है। इससे सामान्य रूप से भी कहा जाता है, इसे जो है सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, ए बी सी ब्लैंक हमें भरना है। ए बी सी तथा के लिए, ए बी तथा सी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए तथा कथन को पूरा कीजिए। वायुमंडलीय O2 का विनिमय कोशिका में उत्पन्न किसके साथ होता है बताना है। ए H2O, बी श्वसन, सी श्वसन। बी में है ए O2, बी श्वसन, सी श्वसन। फिर सी ऑप्शन, ए CO2, बी श्वसन, सी श्वसन। डी ऑप्शन, ए NO2, बी श्वसन, सी श्वसन। तो सभी लोग आंसर करें इसका जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय O2 का विनिमय कोशिका में उत्पन्न CO2 के साथ होता है श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है, इसे सामान्य रूप से श्वसन भी कहते हैं, श्वसन भी कहते हैं। तो CO2 श्वसन और श्वसन, ब्लैंक ए CO2, ब्लैंक बी श्वसन, ब्लैंक सी श्वसन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय O2 का विनिमय कोशिका के में उत्पन्न CO2 के साथ होता है श्वसन कहलाती है, इसे सामान्य रूप से श्वसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ आ रहा है सभी लोगों को, ध्यान से पढ़े, बिल्कुल भी क्लास में आना मिस ना करें, टाइम पर आ जाए। चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जी हाँ सभी लोग लाइव आ जाइए। क्वेश्चन है, कशेरुकियों में क्लोमों के द्वारा जबकि सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी द्वारा श्वसन करते हैं, ब्लैंक है, मेंढक जैसे उभयचर ब्लैंक के द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं, स्तनधारियों में विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। ए बी तथा सी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए तथा कथन को पूरा कीजिए। ए मछलियाँ, बी फेफड़े, सी क्लोमो। ए मछलियाँ, बी फेफड़े, सी शुष्क त्वचा। ए मछलियाँ, बी फेफड़े, सी नम त्वचा। ए स्तनधारी, बी क्लोमो, सी नम त्वचा।
तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, आंसर करें सभी लोग। क्या सभी लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है? जो लोग ऑप्शन सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तैयारी अच्छी चल रही है मतलब आपकी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुकियों में मछलियों क्लोमों के द्वारा, मछलियां क्लोमों के द्वारा जबकि सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। मेंढक जैसे उभयचर नम त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, मछलियों में क्लोमों द्वारा, और जो सरीसृप पक्षी स्तनधारी वर्ग है उनमें फेफड़ों के द्वारा, और उभयचर मेंढक उभयचरों में जो पानी में भी रहते हैं और पृथ्वी धरती पर भी रहते हैं उनमें नम त्वचा के द्वारा भी श्वसन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में वायु इस क्रम से श्वसित होती है, ए नासिका स्वर यंत्र ग्रसनी श्वसनिका वायुगुपिका, बी नासिका ग्रसनी स्वर यंत्र श्वसनिका श्वसनी, सी नासिका ग्रसनी स्वर यंत्र श्वसनिका श्वासनली, डी बाह्य नासा छिद्र नासा मार्ग आंतरिक नासा छिद्र ग्रसनी स्वर यंत्र श्वासनली श्वसनी श्वसनिका वायुगुपिका। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव में वायु किस क्रम में श्वसित होती है, कैसे हमारे शरीर में वायु प्रवेश करती है, पहले हम कहाँ सांस लेते हैं फिर कहाँ लेते हैं, वन बाय वन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी में है बाह्य नासा छिद्र नासा मार्ग आंतरिक नासा छिद्र ग्रसनी स्वर यंत्र श्वासनली श्वसनी श्वसनिका वायुगुपिका। वायुगुपिका हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, ठीक है, ग्रसनी गले में जो लंबी सी नली होती है उसे कहते हैं, आंतरिक नासा छिद्र नाक के छिद्र नासा मार्ग नाक का मार्ग, बाह्य नासा छिद्र मतलब जो मार्ग सामने रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भोजन को निगलते समय घाटी द्वार उपास्थि की बनी हुई प्रत्यास्थ पत्तीनुमा संरचना से ढक जाता है जिसे खालिस्थान कहते हैं, जो कि भोजन को स्वरयंत्र में जाने से रोकती है। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो कि प्लैंक गुहा तक फैली रहती है तथा दाई और बाई प्राथमिक ब्लैंक में विभाजित होती है। तो एबीसी ब्लैंक को हमें भरना है, तो ए है घाटी ढक्कन, बी श्वसनी, सी श्वसनिका, ए घाटी ढक्कन, बी मध्यवक्षीय, सी श्वसनिका, ए घाटी ढक्कन, बी पश्चवक्षीय, सी श्वसनी, डी ए घाटी ढक्कन, बी पूर्ववक्षीय, सी श्वसनिका। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सभी लोग ऑप्शन बी आ रहा है, सभी लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए घाटी ढक्कन, बी मध्यवक्षीय, सी श्वसनी। पत्तीनुमा संरचना से ढक जाता है जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं, जो कि भोजन स्वर तंत्र में जाने से रोकती है। श्वासनली एक सीधी नलिका है जो कि मध्यवक्षीय गुहा तक फैली रहती है तथा दाई और बाई प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वक्षीय कशेरुका के समीप श्वासनली दाई तथा बाई प्राथमिक श्वसनी में बट जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, किस वक्षीय कशेरुका के समीप श्वासनली दाई तथा बाई प्राथमिक श्वसनी में बट जाती है,
ठीक है, तो बताना है इसके राइट आंसर, सभी को राइट आंसर कीजिए फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। ए 5, बी 6, सी 9, डी 4। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है हमारा 5। किस वक्षी कशेरुका, 5 वक्षी कशेरुका के स्तंभ श्वास नली दाई तथा बाई प्राथमिक श्वसनी में बट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नासाग्रसनी स्वर यंत्र क्षेत्र में स्थित खाली स्थान के द्वारा खाली स्थान में खुलती है, ब्लैंक हमें भरना है। ए तथा बी के सही विकल्प का चयन कीजिए तथा कथन को पूरा कीजिए। ए है श्वास नली, बी फेफड़े, ए श्वास नली, बी घाटी द्वार, सी ए घाटी द्वार, बी फेफड़े, ए घाटी द्वार, बी श्वास नली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है? जो लोग डी कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है लग रहा है हम लोगों की, बहुत अच्छे। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए नासाग्रसनी स्वर यंत्र क्षेत्र में स्थित घाटी द्वार के द्वारा श्वास नली में खुलती है, जो नासाग्रसनी की बात हो रही है, तो ये जो स्वर यंत्र क्षेत्र में स्थित घाटी द्वार के द्वारा श्वास नली में खुलती है। ए तथा बी के लिए सही विकल्प घाटी द्वार और श्वास नली है। ठीक है फ्रेंड, सेशन को लाइक करते चले सभी लोग, लाइव आ जाएं, लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन नासाग्रसनी के बारे में असत्य है? ए आंतरिक नासा छिद्र नासाग्रसनी में खुलते हैं, बी यह केवल वायु के लिए ही सामान्य पथ है, सी यह ग्रसनी का एक भाग है, डी नासाग्रसनी स्वर यंत्र भाग में स्थित घाटी द्वार के द्वारा श्वास नली में खुलती है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर करें सभी लोग फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह केवल वायु के लिए ही सामान्य पथ है। नासाग्रसनी वायु के लिए ही सामान्य पथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वरयंत्र किसके मध्य उपस्थित होता है? ए है घाटी ढक्कन तथा घाटी द्वार, बी श्वास नली तथा श्वसनिका, सी घाटी ढक्कन तथा श्वास नली, डी श्वसनिका तथा घाटी ढक्कन। बताइए क्या होगा, राइट आंसर करें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, घाटी ढक्कन तथा श्वास नली स्वरयंत्र के मध्य उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वसन तंत्र के किस भाग को स्वरयंत्र कहा जाता है? ए लैरिंग्स, बी श्वास नली, सी नासाग्रसनी, डी घाटी द्वार। करिए सभी लोग आंसर करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लैरिंग्स जो होते हैं वे मानव श्वसन तंत्र में, मतलब लैरिंग्स में ही श्वसन यंत्र पाया जाता है, लैरिंग्स वाले भाग में, मानव श्वसन तंत्र के लैरिंग्स वाले भाग में स्वर तंत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम किया जाता है। ए है द्विस्तरीय प्लूरा झिल्ली के द्वारा, बी एक स्तरीय प्लूरा झिल्ली के द्वारा, सी श्वास नली पर स्थित घाटी ढक्कन द्वारा, डी फेफड़ों द्वारा आवृत करने वाली श्लेष्म कला के द्वारा। करिए आंसर इसका सभी लोग फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विस्तरीय प्लूरा झिल्ली द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है फेफड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का संवहनी भाग होता है? ए है बाह्य नासा छिद्र से अंत्यस्थ श्वसनिका तक, बी आंतरिक नासा छिद्र से श्वास नली तक, सी घाटी ढक्कन से श्वास नली तक, डी स्वरयंत्र से श्वसनी तक।
तो फ्रेंड्स कीजिए इसका आंसर, सभी लोग राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाह्य नासा छिद्र से अंतस्थ श्वसनिका तक श्वसन तंत्र का संवहनी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन तंत्र के श्वसन या विनिमय भाग में सम्मिलित होते हैं, ए फेफड़े तथा प्लूरा कला, बी वायु कुपिका तथा उनकी नलिका, सी श्वसनी तथा उनके सुरक्षात्मक आवरण, डी डायफ्राम तथा वायु कुपिका। आंसर कीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु कुपिका तथा उनकी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक करते चले। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन पहचानना है। ए है श्वसन तंत्र का संवहनी भाग वायुमंडलीय वायु का वायु कुपिका तथा परिवहन करता है। बी श्वसन तंत्र का संवहनी भाग वायु के धूल के कण को पृथक करता है, वायु को नम करता है तथा वायु के तापमान को शरीर के अनुसार अनुकूलित करता है। सी श्वसन तंत्र का विनिमय भाग ही वह वास्तविक भाग है जहां O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। असत्य कथन छाटना है। आंसर कीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वक्षीय गुहा पृष्ठीय सतह पर ब्लैंक से, आधार सतह पर ब्लैंक से, पार्श्व में ब्लैंक से तथा नीचे की ओर गुंबद नुमा ब्लैंक डी बनी होती है। ए बी सी बताना है। ए कशेरुक दंड, बी उरोस्थी, सी पसलियां, डी तनुपट। ए कशेरुक दंड, बी पसलियां, सी उरोस्थी, डी तनुपट। ए तनुपट, बी पसलियां, सी उरोस्थी, डी कशेरुक दंड। ए पसलियां, बी तनुपट, सी उरोस्थी, डी कशेरुक दंड। आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कशेरुक दंड, उरोस्थी, पसलियां, तनुपट। वक्षीय गुहा पृष्ठीय सतह पर कशेरुक दंड से, आधार सतह पर उरोस्थी से, पार्श्व सतह पर पसलियां से तथा नीचे की गुंबद नुमा तनुपट से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया नामांकित चित्र मानव श्वसन तंत्र को दर्शाता है, नीचे ए बी सी तथा डी द्वारा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही पहचान तथा कार्य या गुण को दर्शाता है। तो ये हमारे फेफड़े का चित्र है फ्रेंड्स। श्वसनी पसली कटा अंतिम सिरा फेफड़े हृदय, ये हृदय है, फेफड़ों के बीच में सटा हुआ सा रहता है हृदय। ठीक है, ए बी सी और डी के बारे में हमें बताना है कि ये कौन से पार्ट है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए श्वासनली उपास्थि के पूर्ण छल्ले युक्त लंबी नलिका जो कि अंतः श्वसित वायु का संवहन करती है। बी फुफ्फुस वारणी झिल्ली पसलियों को दोनों ओर से घेरने वाली संरचना जो कि उन्हें घिसने से बचाती है। सी वायु कुपिका पतली भित्ति युक्त संवहनी थैली जैसे संरचना जो कि गैसों का विनिमय करती है। डी में है, डी फेफड़ों का निचला किनारा या फेफड़ों का निचला किनारा। अंतः श्वसन के समय तनुपट इससे नीचे की ओर
खींचता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। सी, वायुगुपिका पतली भित्ति युक्त थैली जैसी संरचना जो कि गैसों का विनिमय करती है। ये जो छोटे छोटे से ऐसे पत्तियों की शाखा, मतलब पेड़ की पत्तियों के जैसे बने हुए हैं, ये हमारे वायुगुपिकाएँ हैं जो पतली भित्ति युक्त संवहनी थैली के आकार की हैं जो कि गैसों का विनिमय करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु को फेफड़ों के द्वारा भीतर तथा बाहर ले जाया जाता है। ए है अधिशोषण द्वारा, बी दाब प्रवणता द्वारा, सी परासरण द्वारा, डी विसरण द्वारा। आंसर कीजिए सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नोट डाउन करते चले, एक ही क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट डाउन करते चले, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब प्रवणता द्वारा वायु को फेफड़ों के द्वारा भीतर तथा बाहर ले जाया जाता है। प्रेशर होता है, लगता है, तब हमारी सांस बाहर अंदर जाती है फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतः श्वसन शुरू होता है, ए डायाफ्राम के शिथिलन से, बी डायाफ्राम के संकुचन से, सी फेफड़ों के शिथिलन से, डी फेफड़ों के संकुचन से। करिए राइट आंसर सभी लोग। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, डायाफ्राम के संकुचन से अंतः श्वसन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वक्ष गुहा के आयतन में, हमें यहाँ ब्लैंक्स फिल करना है। ए फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से, बी में है कम पर देती है जिसके कारण, ब्लैंक सी कि वायु बलपूर्वक फेफड़ों में आ जाती है, अर्थात ब्लैंक डी की क्रिया होती है। ब्लैंक फिल करना है। ए बी सी तथा डी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए तथा कथन को पूरा कीजिए, कहा गया। ए है ए वृद्धि, बी कमी, सी बाहर, डी निश्वसन। फिर बी में ए कमी, बी वृद्धि, सी बाहर, डी निश्वसन। सी ए कमी, बी वृद्धि, सी भीतर, डी अंतःश्वसन। डी ए वृद्धि, बी कमी, सी बाहर, डी अंतःश्वसन। तो करिए इसका आंसर सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से, बी में होगा कमी कम कर देती हैं जिसके कारण बाहर की वायु, सी में बाहर की वायु अंतःश्वसन बलपूर्वक फेफड़ों में आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया करती है। अंतःश्वसन की क्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है सामान्य, चपटा, गुमदाकार, तिर्यक, बताइए क्या होगा आंसर। आंसर करें सभी लोग। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुंबदाकार। डायफ्राम की जो निश्वसन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव में अतिरिक्त पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन तथा निश्वसन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सही विकल्प की सहायता से उपरोक्त कथन को पूरा कीजिए। ए वक्षीय, बी डायफ्राम, सी उदरीय, डी फुफ्फुसीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदरीय। उदरीय निश्वसन की क्षमता को उदरीय श्वसन पेशियों के सहायता से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में ए बी सी, ए बी तथा सी क्या प्रदर्शित करते हैं? ये वाला भाग वक्ष का आयतन घटाता है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ए जो है वह वायु का फेफड़ों में जाना, यहाँ कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन में कि ए वायु का फेफड़ों में जाना, बी पसलियों तथा उरोस्थी का सामान्य स्थान पर लौटना,
सी डायफ्राम के संकुचन में संकुचन, ऑप्शन बी है। ए वायु का फेफड़ों से बाहर आना, बी पसलियों व उरोस्थियों का सामान्य स्थान पर लौटना, सी डायफ्राम में शिथिलन तथा ऊपर की ओर मुड़ना, फिर सी ऑप्शन। ए वायु का फेफड़ों से बाहर आना, बी पसलियों व उरोस्थियों का ऊपर की ओर जाना, सी डायफ्राम में शिथिलन तथा ऊपर की ओर मुड़ना, डी ए वायु का फेफड़ों में जाना, बी पसलियों व उरोस्थी का ऊपर की ओर जाना, सी डायफ्राम में शिथिलन तथा ऊपर की ओर मुड़ना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, बी इज द राइट आंसर। ए है वायु का फेफड़ों से बाहर आना, ये सिंबल ऐसा दिख रहा होगा आपको, तीर का निशान जिसे कह सकते हैं, तो वह ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट होगा कि वायु का फेफड़ों से बाहर जाना है, इस फेफड़े से वायु बाहर जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट होगा पसलियों व उरोस्थी का सामान्य स्थान पर लौटना, ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है बी वाला, तो इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना बनी हुई है। तो ये जो हमारी पसलियाँ ऐसे गति करके बाहर आ रही हैं, फिर वह सामान्य अंदर जा रही है, ये बाहर आई, ये अंदर गई, ये बाहर आई, ये अंदर गई, इस टाइप से। फिर सी में है फ्रेंड्स, सी में है डायफ्राम में शिथिलन तथा ऊपर की ओर मुड़ना, ये वाला भाग, ये जो हमारा डायफ्राम है, इसमें शिथिलन हो रहा है और ये ऊपर की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेशन को शेयर करते चले, लाइक करें। स्तनधारियों में फेफड़ों के वायु संचारण में भाग लेते हैं, ए डायफ्राम, बी अंतरापरशु कुपेशियां, सी विकल्प ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करिए इसका आंसर सभी लोग। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विकल्प ए तथा बी दोनों, मतलब जो स्तनधारियों में फेफड़ों के वायु संचरण में भाग लेने वाले पार्ट्स डायफ्राम भी हैं और अंतरापरशु पेशियां भी होती हैं। ऑप्शन सी दिया है, विकल्प ए तथा बी दोनों, तो यह राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से परिवर्तन तनुपट तथा अंतरापरशु पेशियों में वायु के निश्वसन के दौरान होते हैं, ए है बाह्य अंतरापरशु पेशियों में शिथिलन तथा डायफ्राम में संकुचन, बी बाह्य अंतरापरशु पेशियों के संकुचन तथा डायफ्राम में शिथिलन, सी बाह्य अंतरापरशु पेशियों तथा डायफ्राम में शिथिलन, डी बाह्य अंतरापरशु पेशियों तथा डायफ्राम में संकुचन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी में है बाह्य अंतरापरशु पेशियों तथा डायफ्राम में शिथिलन परिवर्तन जो है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से, तो डायफ्राम में शिथिलन और अंतरापरशु पेशियों तथा डायफ्राम में शिथिलन परिवर्तन तनुपट तथा अंतरापरशु पेशियों में वायु के निश्वसन के दौरान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतःश्वसन तब होता है जब फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब की तुलना में ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, यह ऋणात्मक दाब तब उत्पन्न होता है जब ए अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो, बी अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो, सी अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, डी अंतरफुफ्फुसीय दाब अंतरकूपिकीय दाब से अधिक हो। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर कीजिए सभी लोग पहले, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जब फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब की तुलना ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चरण मानव के श्वसन से सम्मिलित नहीं है, ए है
कुपकी झिल्ली के आर पार O2 व CO2 का विसरण, बी रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, सी रुधिर तथा उत्तकों के बीच O2 व CO2 का विसरण, डी कोशिकाओं द्वारा उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए CO2 का उपयोग। बताइए क्या होगा आंसर, आंसर करें सभी लोग। जो लोग आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसका आंसर डी होगा, कोशिकाओं द्वारा उपापचयी अभिक्रिया के लिए O2 का प्रयोग मानव चरण के श्वसन में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आकलन स्पायरोमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता, ICRV ERV IRV। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरवी का आकलन स्पायरोमीटर के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वारीय आयतन है, ए सामान्य श्वसन क्रिया से के समय अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन, बी वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक मनुष्य बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, सी वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक मनुष्य बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, डी वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों के में शेष रह जाता है। आंसर कीजिए फटाफट से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वारीय आयतन क्या होता है पूछा गया है, तो सामान्य श्वसन क्रिया के समय अंतःश्वासित या निःश्वासित वायु का आयतन ज्वारीय आयतन है। नेक्स्ट देखेंगे, वायु का वह आयतन जो एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या निःश्वासित कर सकता है, ए 5000 से 6000 ml, बी 6000 से 7000 ml, डी 6000 से 8000 ml, डी 7000 से 9000 ml। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए सभी लोग, आंसर करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6000 से 8000 ml, स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट दर अंतःश्वासित या निःश्वासित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, ए बलपूर्वक अंतःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु का कुल आयतन, बी आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, सी सजीव क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन, डी उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए सभी लोग, फेफड़ों की कुल क्षमता बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, बलपूर्वक अंतःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु का कुल आयतन, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, सजीव क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन, उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की सजीव क्षमता होती है, ए आईआरवी प्लस ईआरवी, बी आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी माइनस आरवी, सी आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आरवी, डी आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर करें सभी लोग, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी होगा, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, टीवी है ज्वारीय श्वसन आयतन, आईआरवी अंतःश्वसन आरक्षित आयतन, और जो ईआरवी है वह है निःश्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बलपूर्वक अंतःश्वसन के पश्चात वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक मनुष्य बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है के बराबर होती है, ए अंतःश्वसन आरक्षित आयतन आईआरवी प्लस निःश्वसन आरक्षित आयतन ईआरवी प्लस ज्वारीय आयतन टीवी प्लस अवशिष्ट आयतन आरवी, बी है आईआरवी प्लस आरवी प्लस ईआरवी, सी आई आरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, डी टीवी प्लस आरवी प्लस ईआरवी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IRB प्लस TV प्लस ERV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव में गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल होता है, ए फेफड़े, बी कुपिका, सी श्वसनी, डी तनुपट। तो कीजिए इसका आंसर सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुपिका। मानव गैसों में विनिमय का प्राथमिक स्थल होता है। अभी हमने देखा फेफड़ों की संरचना में कुछ इस शाखा में पत्तियों की तर संरचना की जैसी कुपिकाएं हमारे फेफड़ों में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों की कुपिका स्तरित होती है, ए सरल उपकला से, बी सल्की उपकला से, सी घनाकार उपकला से, डी पक्षमाभी उपकला से। आंसर कीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्की उपकला से फेफड़ों की कुपिका स्तरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैसों के विसरण की दर प्रभावित होती है, ए दाब प्रवणता से, बी गैसों की विलयशीलता से, सी झिल्ली की मोटाई से, डी उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। आंसर करें सभी लोग, सेशन को लाइक कर दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गैस के आंशिक दाब में किस दाब की भागीदारी होती है, ए है मिश्रण के में सभी गैसों की, बी मिश्रण में किसी एक गैस की, सी वायुमंडल द्वारा गैसों पर डाले गए दाब की, डी वायुमंडल में उपस्थित O2 की। आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिश्रण में किसी एक गैस की आंशिक दाब में मिश्रण में किसी एक गैस की भागीदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में गैसों का विनिमय होता है, ए विसरण द्वारा, बी रुधिर व उत्तकों के मध्य, सी वायु कुपिका तथा फुफ्फुसी रुधिर कोशिकाओं के मध्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मानव में गैसों का विनिमय होता है, विसरण द्वारा भी, रुधिर व उत्तकों के मध्य भी, वायु कुपिका तथा फुफ्फुसीय रुधिर कोशिकाओं के मध्य भी, उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें चैनल के साथ। आगे भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है फ्रेंड्स। हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बेहतर कंटेंट रोज दे सके आपको। ठीक है, तो क्लास देखना ना भूलें। जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं वे क्लास बाद में भी देख सकते हैं, चैनल पर क्लास डली हुई है। ठीक है, और भी क्लासेस है तो क्लास देखते रहिए और अपनी तैयारी पक्की करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।